सो हाय फ्रेंड्स, मैं आरंग अमर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है यूट्यूबर्स के लिए। क्योंकि दोस्तों, बहुत यूट्यूबर्स को यह कन्फ्यूजन होता है कि हमारे जो डिस्क्रिप्शन होते हैं वीडियो की, वह कैसे लिखी जाए, क्या क्या लिखा जाए। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप जो अपनी डिस्क्रिप्शन है वह कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारी डिटेल के साथ समझूंगा कि आपको आपके यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलो, आज का वीडियो हमारा शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैं मेरे YouTube डिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपको बताऊंगा कि आपको अपनी YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। तो पहले मेरे आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, बहुत ही नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा मैंने लिखा हुआ नहीं है। दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में अपनी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, तो आपने आपके वीडियो में क्या बताया, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो मेरे इस वीडियो में मैंने .. बताया, या मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो मैंने क्या किया, मेरे जो टाइटल है यूट्यूब का वही कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में पहले डाल दिया। वैसे भी आप डाल सकते हो, या थोड़े दो तीन सेंटेंस में बता सकते हो कि आपने वीडियो में क्या बता दिया, या आप जो टाइटल हो वही कॉपी करके डाल सकते हो पहले। उसके बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आपको देख सकते हो मैंने मेरे इधर चैनल के बारे में थोड़ा बता दिया, जैसे कि हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आर्यन अजय गमरे है। मेरे इस चैनल पर आपको टेक टिप्स एंड ट्रिक्स, यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स, टेक फैक्ट, ऐप रिव्यू के बारे में वीडियो मिलेंगे। तो आपको भी थोड़ा ना आपके डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखना है, क्योंकि कोई भी व्यूअर आपका वीडियो देखेगा ना, तो अपने डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा कि आप किस टाइप की वीडियो बनाते हो। आपके चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, किसी को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके डिस्क्रिप्शन से उस बंदे को पता चल जाएगा कि यह इस टाइप का वीडियो बनाता है। हो गया, उसके बाद नीचे आकर तो इधर मैंने डाली हुई ऐप लिंक। दोस्तों, कभी कभार क्या होता है ना, हम कोई भी वेबसाइट के बारे में या कोई भी ऐप के बारे में बता देते हैं, तो हमें उस एप्लीकेशन की वेबसाइट की लिंक डालनी पड़ती है हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो मैंने वह डाल दिया मेरे स्टूडियो में, तो वह आपके मुताबिक आपका चैनल आपने उस स्टूडियो में बता दिया हो किसी ऐप या वेबसाइट के बारे में, तो आपको डाल दी है, नहीं तो आप नहीं डालोगे तो भी उसमें कुछ लेना देना नहीं है। अभी गाइस, उसके बाद मैंने मेरे जो डिस्क्रिप्शन की उस पर मैंने नीचे डाला है, आपको अगला वीडियो किस पर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने व्यूवर्स की जो राह होगी वो आपको जाननी पड़ेगी। आपको पसंद आता है यह टॉपिक तो उस पर नहीं वीडियो बनानी, आपके व्यूवर्स को पसंद आता है ना उस पर आपको वीडियो बननी है। तो यह लिखना ज़रूरी है कि आपको जो व्यूवर्स होंगे उनको क्या लगता है उनके वीडियो में हमारे, वही कमेंट बॉक्स में बताना, तो वह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नीचे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इधर नीचे लिखा हुआ है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना। ये गाइस, बहुत सारे यूट्यूबर्स लिखते हैं, आपको भी लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको लाइक भी चाहिए, सब्सक्राइबर्स भी चाहिए। तो जब भी वो बंदा कोई भी व्यूअर्स होगा वो आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, तो उसको वह भी पढ़ना चाहिए कि वो सब्सक्राइब कर देगा। ओके, उसके बाद गाइस जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है वो है फॉलो अवर सोशल मीडिया। गाइस, जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो भी आपको डाल देने हैं आपके डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या कोई भी अदर सेकेंड चैनल हो गया, तो वह भी डाल दे रहे हैं। जिसकी मेरे आप देख सकते हो, मेरे सेकेंड चैनल की जो लिंक है वह डाल दिए, उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आई डी डाल दिया, उसके बाद शेयर चैट हैंडल आई डी, इन सभी की मैंने लिंक्स डाल दिए, क्योंकि जो भी मेरे डिस्क्रिप्शन पड़ेगा वो मेरे इन अकाउंट जो होंगे मेरे उसको भी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लेगा। उसके बाद गैस नीचे मैंने डाला हुआ है डिस्क्लेमर। अभी गैस ये आप पे आपको डालना है या ना डालना, पर ये डालने से आपको फ़ायदा हो सकता है। अभी आपको मैं बता दूँ मैंने ये क्यों डाला है, क्योंकि क्या पता कुछ भी हो जाए हमारे वीडियो पे, यूट्यूब कॉपीराइट डाल दे, कुछ डाल दे, तो हमें उससे रिस्क ना हो, इसलिए हमें डाल देना चाहिए। हमारे वीडियो में हमने गलत बता दिया है या नहीं बता दिया, फिर भी आपको डालना पड़ेगा। पर आप पे आपको नहीं डालना तो आप नहीं भी डाल सकते। वैसे कुछ नहीं कि डिस्क्लेमर डालने से कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती, और डिस्क्लेमर ना डालने से कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती, वो यूट्यूब पे, फिर भी डालने से आपको ज़्यादा रिस्क नहीं होता, इसलिए मैं मेरे सारे वीडियो में डिस्क्लेमर डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे मैंने लिखा हुआ है थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वैसे लास्ट में आपको कुछ हैशटैग डाल दे रहे हैं। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं ना, अपने वीडियो वायरल होने के लिए ना बहुत सारे हैशटैग डालते हैं, 20-30 हैशटैग। अभी गाइस इतने हैशटैग नहीं डालने, आपको 15 से 16 तक की गाइस आपको हैशटैग डालने। मेरे आप देखोगे इस वीडियो पे 6 ही मैंने हैशटैग डाल दिए, या मेरे ज़्यादातर में 10 या 12 हैशटैग डाल देते हैं मेरे वीडियो पे। इससे गाइस ज़्यादा आपको हैशटैग अपने वीडियो पे नहीं डालने। तो हाँ गाइस, कुछ इस तरह से जो होगा आप अपनी डिस्क्रिप्शन आसानी से लिख सकते हो, और गाइस इससे आपको जो भी व्यूअर होगा वो आपकी डिस्क्रिप्शन देखेगा ना, तो उसको भी आपका वीडियो पसंद आएगा और आपको चैनल पसंद आए, क्योंकि उसको समझ में आएगा कि यह जो बंदा है, जो यूट्यूबर है, वह उनके व्यूअर्स के लिए क्या क्या कर रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ इस तरह से गाइस जो भी डिस्क्रिप्शन होगी वह लिखनी पड़ेगी, जो कि मेरे लिख रही है, और कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, इतना ही लिख लेना है आपको। तो हाँ गाइस, कुछ इस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन लिख लो, वीडियो वायरल होगा, चैनल बूस्ट होगा। तो इस वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय एंड सी यू।